हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन वेटमेट के बारे में, जो पशु पर कैसे काम करता है, क्या इसकी डोज रेट है, वह पशु को कैसे दें, वह पशु पर कैसे काम करता है, उन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। कई बार देखा है पशु पूर्णतः हीट में नहीं आता है, या फिर कई बार बच्चेदानी के शरीर से यह नहीं खुलती है, ओस नहीं खुलती है, उस अवस्था में यह इंजेक्शन काम आता है। कई बार देखा पशु 3 से 4 वर्ष का हो जाता है परंतु हीट में नहीं आता है, उस अवस्था में इस इंजेक्शन का उपयोग में लिया जाता है। वेट मेट इंजेक्शन लगाने के बाद यदि 72 घंटे तक पशु हीट में नहीं आता है या सर्विस नहीं खुलती है तो इसे 11वें दिन बाद रिपीट करना है। वेटमेट इंजेक्शन लगाने के बाद 11वें दिन के बाद विटामिन ए डी के व इंजेक्शन सोडियम एसिड फॉस्फेट भी लगाएंगे। वेटमेट इंजेक्शन 1 दिन लगाएंगे व विटामिन ए डी के व सोडियम एसिड फॉस्फेट 3 दिन लगाएंगे। 10-10 ml उनकी लगानी है। सोडियम एसिड फॉस्फेट 10 ml लगाना है व विटामिन ए डी के 10 ml 3 दिन तक कंटिन्यू लगाएंगे। या फिर वेट मेट इंजेक्शन लगाने के बाद पशु 72 घंटे के अंदर हीट में आता है या डिस्चार्ज देता है तो उस व्यवस्था में हम AI कराएंगे या फिर नेचुरल मेटिंग करवाएंगे। पशु नियमित रूप से आपका ठहर जाएगा। मुख्यतः यह है बचदाने की ओस या सर्विस खोने के लिए काम में लिया जाता है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत शानदार इसका रिजल्ट है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को शेयर भी करें।